हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन ऑनलाइन क्लासेस ऑफ डिवाइन पब्लिक स्कूल मिटा। दिस इज़ आवर ईवीएस क्लास एंड यू ऑल नो दैट वी हैड रीड हाफ पार्ट ऑफ लेसन वन इन प्रीवियस वीडियो एंड इन दिस वीडियो वी विल रीड हाफ पार्ट। एट फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द थिंग दैट वी हैव रीड इन प्रीवियस वीडियो। सो लेट्स सी टाइप्स ऑफ फैमिली, न्यूक्लियर फैमिली एंड ज्वाइंट फैमिली। हमने ये पढ़ा था न्यूक्लियर फैमिली दो प्रकार के होते हैं, स्मॉल फैमिली एंड बिग फैमिली। न्यूक्लियर फैमिली में पेरेंट्स और उनके मोर देन वन आर टू चिल्ड्रंस होते हैं, और ज्वाइंट फैमिली में बहुत सारे लोग ग्रैंड फादर, फादर, देयर चिल्ड्रंस, बहुत सारे लोग होते थे। अभी हम लोगों ने लाइफ में जो चेंजेस होते हैं उनके बारे में पढ़ा था, एंड यह एनिमल्स और उनके यंग वंस के बारे में पढ़ा था, जानवर उनके बच्चे और जो भी मतलब इंसानों के बच्चे, जानवरों के बच्चे, कैसे उनका विकास होता है, कैसे वे ग्रो करते हैं, इन सारे चीज़ों के बारे में पढ़ा था। ह्यूमंस एंड देयर चिल्ड्रंस, इंसान और उनके बच्चों का ग्रो कैसे होता है, ये सब हम लोगों ने पढ़ा था। कैसे जो बच्चा होता है वो मदर वोम्ब में उसका विकास होता है, कैसे वहाँ पे उसको भोजन मिलता है, तो इन सारी चीज़ों के बारे में हमने पढ़ा था और अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे। सो स्टूडेंट्स, हियर वी आर, द नेक्स्ट टॉपिक इज अडॉप्टेशन। अडॉप्टेशन मीन्स होता है ग्रहण करना, ठीक है, या फिर स्वीकरण। सो लेट्स सी, अडॉप्टेशन मे बी डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ प्रोवाइडिंग पेरेंट्स फॉर चिल्ड्रन एंड चिल्ड्रन फॉर फैमिलीज व्हेन लीगल पेरेंट्स आर अनेबल टू केयर ऑफ देयर चिल्ड्रन। अडॉप्टेशन मीन्स होता है लेना, स्वीकार करना। मे बी डिफाइंड, इस तरह से इसको डिफाइन किया जा सकता है कि ये एक ऐसा प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है जिसमें प्रोवाइड किया जाता है। प्रोवाइड मीन्स होता है, प्रोवाइडिंग मीन्स होता है उपलब्ध कराना, पेरेंट्स मीन्स अभिभावक। तो जिसमें अडॉप्टेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें क्या होता है कि पेरेंट्स के लिए, बच्चे के लिए अभिभावक को उपलब्ध कराया जाता है, बच्चों के लिए अभिभावक को उपलब्ध कराया जाता है, एंड चिल्ड्रन फॉर फैमिलीज, और फैमिलीज के लिए, परिवारों के लिए बच्चों को उपलब्ध कराया जाता है। कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ लोग, कुछ बच्चे होते हैं जिनके पास अभिभावक नहीं होते, माता पिता नहीं होते हैं, और ऐसी फैमिलीज होती हैं जिनके पास बच्चे नहीं होते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे जो अडॉप्टेशन हो है वो कार्य करता है। व्हेन लीगल पेरेंट्स आर अनेबल टू केयर ऑफ देयर चिल्ड्रन, जो लीगल पेरेंट्स होते हैं, जो उन बच्चों के माता पिता जो होते हैं, वो जब अपने बच्चों की देखभाल करने में असमर्थ होते हैं, अनेबल, असमर्थ होते हैं, तो उस समय अडॉप्टेशन के द्वारा लोगों को बच्चे उपलब्ध कराए जाते हैं। जिनके पास बच्चे नहीं हैं, लोग अनाथालयों से और भी बहुत जगह से बच्चों को गोद लेते हैं। गोद लेना जो होता है उसी को अडॉप्टेशन कहा जाता है। आप लोगों ने सुना होगा कि बच्चे को गोद ले लिया गया, तो वही क्या कहलाता है, अडॉप्टेशन। लोग लीगल तरीके से बच्चों को अडॉप्ट करते हैं, गोद लेते हैं और उनकी देखभाल करते हैं, जिन लोगों के खुद के बच्चे नहीं होते हैं। नाउ नेक्स्ट, When a couple legally takes a child and raises him or her as their own child, जब एक couple means होता है एक जोड़ी, एक पति पत्नी जब लीगली मतलब कानूनी रूप से एक बच्चे को बड़ा गोद लेते हैं, उसे बढ़ाने लिखाने, बड़ा करने का अपने बच्चे की तरफ उसकी जिम्मेदारी लेते हैं, अपने बच्चे की तरफ उसको बढ़ाते हैं, इट इज़ कॉल्ड अडॉप्टेशन। तो इसे क्या कहते हैं, अडॉप्टेशन कहते हैं, दत्तक बालक कहते हैं। जब एक माता पिता लीगली कानूनी रूप से किसी बच्चे को लेते हैं और उसका अपने बच्चे की तरह उसको बढ़ाते हैं, पढ़ाते लिखाते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, अडॉप्टेशन कहते हैं। दिस काइंड ऑफ चाइल्ड इज कॉल्ड एन अडॉप्टेड चाइल्ड, और इस तरह का जो बालक होता है उसे क्या कहते हैं, अडॉप्टेड चाइल्ड कहते हैं, दत्तक बालक कहते हैं, उसे दत्तक बच्चा कहते हैं। एन अडॉप्टेड चाइल्ड विदाउट पेरेंटल सपोर्ट एंड प्रोटेक्शन इज अकम्पनीड विथ अ पर्सन और फैमिली टू बी केयर्ड फॉर, यूजली बाई लोकल वेलफेयर सर्विसेज और बाई कोर्ट ऑर्डर। सो एन अडॉप्टेड चाइल्ड विदाउट
पेरेंटल सपोर्ट, कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जिनके पास जिन अभिभावक नहीं होते हैं, एंड प्रोटेक्ट इज अकम्पनीड विथ अ पर्सन और फैमिली, और उनके पास माता पिता नहीं होते हैं और उन्हें कोई गोद लेने वाला भी नहीं होता, तो इन उन सारे बच्चों की देखभाल कौन करता है? उनकी देखभाल किसी व्यक्ति या फिर फैमिलीज के द्वारा की जाती है, जिनको कि सरकार के द्वारा, कोर्ट के द्वारा ऑर्डर दिया गया होता है। वेलफेयर मीन्स होता है कल्याणकारी, जो लोकल वहाँ की, जहाँ पे भी बच्चे रहते हैं वहाँ की जो कल्याणकारी, सामाजिक कल्याणकारी जो समितियाँ होती हैं, जो संगठन होता है, वो उन बच्चों की देखभाल करती है वहाँ पे बच्चे रहते हैं, जैसे कि अनाथालय हो गया, और भी बहुत सारे संगठन होते हैं जिसमें ऐसे बच्चे रहते हैं जिनके माता पिता नहीं हैं, तो ये क्या होता है कि वो लीगल तरीके से कोर्ट के द्वारा आर्डर पे उन लोगों का, उन बच्चों का ध्यान रखा जाता है लोगों के द्वारा और संगठन के द्वारा। देयर आर सम फैमिलीज दैट टेक्स एन अदर पर्सन चाइल्ड इन टू देयर होम विदाउट बिकमिंग द चाइल्ड्स लीगल पेरेंट। ठीक है, कभी कभी ऐसा होता है कि लोग क्या करते हैं कि अपने बच्चों, अपने परिवार में ही, अपने घर में, अपने परिवार में ही बच्चों को किसी कानूनी प्रक्रिया के बिना ही बच्चों को गोद ले लेते हैं। लीगल पेरेंट्स कानूनी पेरेंट्स नहीं बनते हैं, वो अपने घर में ही बच्चों को गोद ले लेते हैं, जैसे कि कोई अपने भाई के बच्चे को, कोई अपने बहन के बच्चे को गोद ले लेता है। दिस काइंड ऑफ चाइल्ड इज कॉल्ड अ फोस्टर चाइल्ड। इस तरह का जो बच्चा होता है उसे क्या कहते हैं? फोस्टर चाइल्ड, पालित बच्चा। फोस्टर चाइल्ड मीन्स होता है पालित बच्चा, तो इस तरह का जो बच्चा होता है उसे फोस्टर चाइल्ड कहते हैं। ऐसे बच्चे कभी कभी ऐसा होता है, कुछ लोग अनाथालय से बच्चों को लेके आते हैं, किसी और के बच्चे जिनके बारे में नहीं पता होता है कि वो किसके बच्चे हैं, तो उन्हें अडॉप्टेड चाइल्ड कहते हैं। और ऐसे जिसके माता पिता के बारे में सब जानते हैं और घर में ही, परिवार में ही किसी के बच्चे, भाई के बच्चे, चाचा के बच्चे, बुआ के बच्चे, इन तरह के बच्चों को ले लिया जाता है गोद और उनको किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा पाला जाता है, तो उसे फोस्टर चाइल्ड, पालित बच्चे कहते हैं। एंड स्टूडेंट्स, नाउ वी विल डू एक्सरसाइज ऑफ दिस लेसन, सो लेट्स सी, ट्रिक एंड राइट द करेक्ट ऑप्शन। वी हैव टू ट्रिक ऑन द करेक्ट ऑप्शन। अ हाउस होल्ड कंसिस्ट ऑफ ऑल पीपल हु लिव इन अ हाउस, टेम्पल, स्कूल, हॉस्पिटल। व्हाट विल बी आंसर स्टूडेंट्स? यस, योर आंसर विल बी हाउस। नाउ नेक्स्ट, अ न्यूक्लियर फैमिली इज ऑल्सो कॉल्ड अ क्लासिकल, ट्रेडिशनल, हिस्टोरिकल, नन ऑफ देम। तो इनमें से क्या कहा जाता है? जो न्यूक्लियर फैमिली है उसे क्या कहता है? ट्रेडिशनल फैमिली भी कहा जाता है, पारंपरिक परिवार भी कहा जाता है। वी आल चेंज एज वी ग्रो, यंगर, ओल्डर, एल्डर, शिक। क्या होता जब हम धीरे धीरे, क्या होता है जब भी हम धीरे धीरे बड़े होते हैं? वी ऑल चेंज एज वी ग्रो, यंगर, ओल्डर, एल्डर, सिक। सॉरी, द आंसर विल बी ओल्डर। जैसे जैसे हम लोग बड़े होते हैं, जैसे जैसे हमारी आयु में वृद्धि होती है, वैसे वैसे हम सब चेंज होते जाते हैं, बदलते जाते हैं। न्यू बॉर्न बेबी डिपेंड ऑन ओनली इट्स मिल्क। तो जो न्यू बॉर्न, नया जन्मा बच्चा होता है, किस पे डिपेंड होता है, किस पे निर्भर होता है? अपने मदर के मिल्क पे। सो आंसर विल बी मदर्स मिल्क। नाउ नेक्स्ट, सम एनिमल दैट गिव बर्थ टू बेबीज आर कॉल्ड, वे जानवर जो बच्चों को जन्म देते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें मैमल्स कहते हैं। द आंसर विल बी मैमल्स। एंड यू फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द करेक्ट वर्ड। करेक्ट वर्ड यूज करके हमें ब्लैंक को फिल करना है। और स्मॉल, द आंसर विल बी न्यूक्लियर। This will be your answer. You can see a nuclear family has parents and their own are one or two children. एक जो छोटी न्यूक्लियर फैमिली है, एकल फैमिली, उसमें क्या होता है कि बच्चे और उनके माता पिता और उनके एक या दो बच्चे होते हैं। नेक्स्ट, मेनी फैमिली मेम्बर्स लीव, द आंसर विल बी होम्स, इन सर्च ऑफ जॉब। बहुत सारे लोग क्या, परिवार अपने घरों को छोड़ रहे हैं किसके, नौकरी के खोज में। सो द आंसर विल बी होम्स। नाउ नेक्स्ट, Our looks, likes and dislikes are and dressing sense also change when we grow up. हमारे जो likes हैं, dislikes हैं, looks हैं, ये सारे, और dressing sense भी change हो जाते हैं समय के साथ, जैसे जैसे हम लोग बड़े होते हैं। So the answer will be dressing sense. Okay. The next is a safe and द आंसर विल बी कम्फर्टेबल शेल्टर फॉर द बर्ड्स एग। जो नेक्स्ट होता है वो चिड़िया के अंडे के लिए वो एक आरामदायक शेल्टर होता है। सो द आंसर विल बी कम्फर्टेबल। नाउ नेक्स्ट, द मदर कैन फील द मूवमेंट ऑफ द बेबी इनसाइड द वॉम्ब। जो माँ होती हैं वो अपने बच्चे के मूवमेंट को, गति को फील कर सकती हैं क्या, अपने गर्भ के अंदर। सो द आंसर विल बी मूवमेंट। नाउ नेक्स्ट,
write T for true and F for false statements. We have to write T for true correct statements and F for false statements. So let's see, a joint family is also called a न्यूक्लियर फैमिली. एक ज्वाइंट फैमिली को जो ज्वाइंट फैमिली होती है उसे न्यूक्लियर फैमिली बोलते हैं क्या? नो, इट्स फाल्स. सो राइट हियर, फाल्स. ओके, नाउ नेक्स्ट, अ न्यूक्लियर फैमिली हैज पेरेंट्स एंड देयर चिल्ड्रन. एक जो न्यूक्लियर फैमिली होती है उसमें पेरेंट्स होते हैं, अभिभावक होते हैं और उनके बच्चे होते हैं. इज इट ट्रू ना? यस, इट्स ट्रू. नाउ नेक्स्ट, चेंज इज नॉट अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ एंड वी शुड डिनाई इट. तो परिवर्तन हमारे जीवन का एक भाग नहीं है और हम इसे डिनाई कर सकते हैं, टाल सकते हैं. इज इट ट्रू स्टूडेंट्स? नो, इट्स अ फाल्स. राइट हियर, फाल्स. चेंज हमारे जीवन का एक नियम है, परिवर्तन जीवन का एक नियम है. द बेबी स्टे इनसाइड द मदर वॉम फॉर अबाउट 9 months. जो बच्चा होता है वो माँ के गर्भ में कितने महीने? 9 महीनों के लिए रहता है. इज इट ट्रू स्टूडेंट्स? यस, यस, इट्स ट्रू. बच्चा माँ के पेट में 9 महीने के लिए रहता है, 9 महीने रहता है. द मदर इज यूजुअली द पर्सन हु टेक केयर ऑफ हर बेबी. माँ ही वो व्यक्ति होती है जो अपने बेबी का ध्यान रखती है. तो इज इट ट्रू ना? इट्स ट्रू. एंड नाउ वी आर हियर, मैच द फॉलोइंग. वी हैव टू मैच, यू कैन सी हियर, कॉलम ए कॉलम बी. एट फर्स्ट न्यूक्लियर फैमिली, सो मैच इट टू सी. इट कंसिस्ट ऑफ पेरेंट्स एंड देयर चिल्ड्रेन. न्यूक्लियर फैमिली में क्या होता है? माता पिता और उनके बच्चे. नाउ नेक्स्ट, स्मॉल न्यूक्लियर फैमिली. स्मॉल न्यूक्लियर फैमिली, मैच इट टू नंबर ए. इट कंसिस्ट ऑफ पेरेंट्स एंड देयर वन आर टू चिल्ड्रेन. जो स्मॉल न्यूक्लियर फैमिली होती है उसमें क्या होता है कि माता पिता उनके एक या दो बच्चे होते हैं. नेक्स्ट, अ बिग न्यूक्लियर फैमिली, तो मैच इट टू नंबर बी. इट कंसिस्ट ऑफ पेरेंट्स एंड देयर मोर देन टू चिल्ड्रेन. तो जो बिग न्यूक्लियर फैमिली होती है उसमें क्या? पेरेंट्स और उनके दो से अधिक बच्चे होते हैं. नेक्स्ट, अ ज्वाइंट फैमिली, सो मैच इट नंबर डी. मैच इट टू नंबर डी. इट कंसिस्ट ऑफ पेरेंट्स, चिल्ड्रेंस, ग्रैंड पेरेंट्स, अंकल, आंट एंड कजिन्स. तो जो बिग ज्वाइंट फैमिली होती है उसमें क्या? माता पिता, ग्रैंड फादर, ग्रैंड मदर, चाचा चाची, सभी लोग होते हैं. सो दिस विल बी योर करेक्ट आंसर. नाउ नेक्स्ट, एंड स्टूडेंट्स, हियर इज योर वर्ड मीनिंग ऑफ दिस लेसन. यू कैन सी हियर, अडॉप्टेशन मीन्स ग्रहण या स्वीकरण, रेसिडिंग मीन्स निवास करना, फ्यूअर, फ्यूर मीन्स अल्प, रियलाइज्ड महसूस किया, कंफर्टेबल आरामदायक, न्यूक्लियर फैमिली एकल परिवार, ट्रेडिशनल फैमिली पारंपरिक परिवार, ज्वाइंट फैमिली संयुक्त परिवार, मैमल स्तनधारी, मदर वोम्ब माँ का गर्भ, अडॉप्टेड चाइल्ड दत्तक बालक या गोद लिया हुआ बच्चा, फॉस्टर चाइल्ड पालित बच्चा. सो स्टूडेंट्स, दीज ऑल आर योर वर्ड मीनिंग ऑफ दिस लेसन. लुक हियर फ्रॉम द बिगनिंग एंड सो योर होमवर्क इज यू हैव टू लर्न ऑल दिस वर्ड मीनिंग एंड राइट इट इन योर कॉपी. सो डू योर होमवर्क, कीप लर्निंग एंड थैंक यू.